ना ऐसे कैजुअली बता देते हो आईआईटी बॉम्बे, आप जैसे चले गए, हाँ जैसे पता नहीं बस पकड़ के चले गए थे आईआईटी, ऐसे नहीं हो जाता, बहुत तैयारी लगती है, मेहनत लगती है. अनलेस कैसे आपको पहली बार आया कि आईआईटी के लिए पढ़ना है, और फिर कैसे आपने पढ़ाई की, क्या रिसोर्सेज थे, कितना पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, जस्ट टॉक अबाउट दैट प्रोसेस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत लोग यहाँ देख रहे हैं वो भी कंपेटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, तो ओके बिफोर ऑल दिस ओला वोला हैपन, तो भविष्य वाज जस्ट अ स्टूडेंट ना 10th 11th 12th में, तो कैसे था, क्या आपका तो अनुभव था? मेरा माय इनिशिएशन यू नो माय माय पेरेंट्स मेड मी स्टडी फॉर इंजीनियरिंग. मेरा उतना तब खुद का कुछ उतना प्रेफरेंस नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग, मेरे को बस था कि डॉक्टर नहीं बनना है. तो अच्छा फिर बचा इंजीनियरिंग, राइट? तो इंजीनियरिंग में घुस गए एंड आई वेंट टू कोटा टू स्टडी 2 years. मेरे टाइम पे यू नो अर्ली 2000s में कोटा वॉज द प्लेस टू गो एंड स्टडी. हाँ, शुरू हो रहा था. कोटा शुरू हो रहा था, कोटा वॉज जस्ट इमर्जिंग एज द हब टू स्टडी. तो आई थिंक 2001 में मैं गया कोटा, और 2 साल वहां पे मैंने मैंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी. हाँ, नहीं, आई इनफैक्ट, बट हाउ ओल्ड वर यू जब आप कोटा गए 2001 में? तो वाज कितने, 16 years old when I went to तो कोटा. कैसे आई यार, वाज आई मीन वाज इट टफ, लाइक जस्ट 16 साल का जाके अकेले रहना? कोटा इज नॉट एग्जैक्टली अ वेरी एक्साइटिंग काइंड ऑफ सिटी. मैं कई बार वहां गया हूँ टॉक्स के लिए. तो कैसे, मतलब इज इट हार्ड, एंड नॉट जस्ट यू, जो लोग भी कोटा जाते हैं, इज इट हार्ड फॉर देम टू बी? आई थिंक इट इज वेरी हार्ड. आई ऑल्सो डिड नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस. तो 2 साल पढ़ाई करके मैं आईटी में सिलेक्शन ही नहीं हुआ मेरा. तो एंड कोटा व्हाट में वाज मैं मतलब द, यू सेड नॉट, अच्छा नहीं था आपका एक्सपीरियंस, क्या अच्छा नहीं था? वाज इट लाइक यू मिस्ड होम या क्या था? पहली बार घर से निकला था, तो मैंने वहां पे बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मस्ती भी करी. स्ट्रगल किया मतलब पढ़ाई नहीं कर पाया, बट मस्ती बहुत करी मैंने. आई वॉज द फर्स्ट टाइम आउट ऑफ होम, सो लॉट ऑफ थिंग्स वर न्यू फॉर मी. फ्रेंडशिप्स कैसे वर न्यू. रहते थे आप, कहाँ रहते थे? तो पीजी में रहते थे. वी यू नो आई यूज्ड टू शेयर अ रूम विद रूममेट, एंड इट वाज अ टिपिकल पीजी लिविंग. एंड कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था. तो बहुत पढ़ाई छोड़ के सब कुछ किया वहां पे हमने. हाँ, एंड उस टाइम पे तो वी डिडंट हैव दीज फोन्स की मम्मी पापा फोन कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये सब तो नहीं था हाँ, ना. फोन नहीं होते थे. एसटीडी हाँ, बूथ, एसटीडी बूथ होता था. एसटीडी बूथ से हर हफ्ते में एक बार ही मैं घर पे फोन करता था. एंड तब वहां पे साइबर कैफे होते थे कोटा में. I used to spend hours and hours in cyber cafe playing computer games. Hours and hours. So, class ना नहीं जाता था मैं, और बैठ के cyber cyber cafe में गेम्स. Which games? Do you remember? Oh, Age of Empires, Counter Strike, and Need for Speed, and you know all kinds of Oh, games. Need for Speed. I remember that game. My God, that brings back memories. Yes. So Yes. with that low dial-up modem में वो I don't know 10-15 रुपए पर घंटा में you, पर basically मतलब क्या था? You were not happy. You were sad. You were like trying to get away from something. Why were you not studying? आई वॉज एंजॉइंग माई फ्रीडम. मैं पहली बार ही घर से बाहर निकला था. घर में तो माँ बाप की छाए में जो कहते हैं वो सब करना होता है, और पहली बार ही घर से बाहर निकला था. कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं. नया नया इंटरनेट एक्सप्लोर किया था. तो आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ फॉर 2 years, एंड बहुत मस्ती करी, बहुत दोस्त बनाए. पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, तो सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में. तो यू डिडंट गेट इट, आई दो यू 2 साल कोटा में डिड नॉट लगाए, गेट. एंड देन फिर मतलब वो फोन कॉल क्या था, पापा को या घर जाके ही पता लगा होगा, मतलब क्या था वो सिचुएशन? टेल मी अबाउट दैट डे. वो आखिरी 6 महीने में क्लियर हो ही गया था माँ बाप को कि ऐसे तो बच्चे का कुछ नहीं होने वाला. तो अच्छा. उनको भी क्लियर हो गया था, मेरे को भी रिलेटिवली क्लियर हो ही गया था कि इस बार ही तो नहीं होने वाला. तो बट फिर भी आई हैड क्लियर स्क्रीनिंग, एंड मैंने फिर वो जो बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स थे वो भी क्लियर कर लिए थे. आई हैड गॉटन इनटू थापर इन पंजाब, व्हिच इज अ गुड कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया. तो मेरे सामने एक चॉइस था कि डू आई ड्रॉप 1 year और डू आई गो इनटू अ गुड कॉलेज बट नॉट एन आईआईटी. तो देन आई डिसाइड टू ड्रॉप 1 year, एंड 1 साल ड्रॉप करके मैंने अपने आप को लुधियाना वापस आके कमरे में बंद कर दिया. एंड दिन रात फिर मैंने मेहनत करी 1 साल के लिए. सारे सारे दुनिया भर के टेस्ट लिए, फिट जी, ब्रिलियंट, विद्या मंदिर, पता नहीं और कौन से होते हैं. और घर में मैं दिन रात फिर बैठ के सिर्फ नहीं, पढ़ाई पर कर रहा था. व्हाट, व्हाई आई वांट टू डिग डीप इनटू दिस इज कि ऐसे बहुत लोग हैं जो फेलियर फेस करते हैं या डिस्ट्रैक्टेड हुए, जो भी है उनका नहीं हुआ, एंड देन यू सेड यू स्विच्ड गियर्स, यू बिकेम अ यस, डिफरेंट पर्सन, कि मतलब एकदम कमरे में बंद करके फिर ये नहीं देखा कि कौन सी किताबें, जो किताबें करनी है अभी सब करना है. तो सब कर लियो. ये कैसे स्विच आया? और अगर कोई जैसे लाइफ में फेलियर फेस कर रहा है या रिजेक्शन फेस कर रहा है, उसको तो लगता है मेरी फट गई, अभी बस हो गया. सो हाउ डिड यू डू इट, एंड व्हाट डू यू रिकमेंड लोग कैसे करें? आई थिंक जितना हमेशा बिलीव था खुद में कि मैं कर सकता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इवन दो वो 2 साल मैंने बहुत मस्ती करी थी. एंड आई थिंक यू नो लुकिंग बैक वो 2 साल बहुत जरूरी भी थे मेरे लिए, बिकॉज वो मेरे को फ्रीडम खुद को एक्सप्लोर करना था, खुद के बारे में जानना था.
दुनिया एक्सप्लोर करने की, वरना तो मैं घर में बंद बंद रहकर आई वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट पर्सन. सो वो एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा था कि यार जब मैं मन लगा करूंगा तो कर लूंगा. तो फिर आई मेड द डिसीजन, हार्ड डिसीजन, कि यार मेरे को एक साल फाइट मारनी है. आई डिडंट वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि यार एक फाइट नहीं मारी मैंने, कि ढंग से फाइट नहीं मारी. रिग्रेट नहीं चाहता था मैं कभी जिंदगी में. तो वो मैंने कहा कि एक साल आई विल गिव माई सेल्फ. तो कैसे लॉकडाउन आप कह रहे हो, आप तो सबको पता है लॉकडाउन क्या होता है, बट वो पर वो जो एक साल आप कह रहे हो कमरे में बंद करके, व्हाट लाइक हाउ मेनी आवर्स अ डे आर वी टॉकिंग, या डू यू रिमेम्बर दैट रूटीन क्या था? सुबह उठ जाते थे या रात भर पढ़ते थे, क्या था? इट वाज अ ग्रूलिंग रूटीन. मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं एक साल पूरी फाइट मारूंगा, जी जान लगा के फाइट मारूंगा. और मैं सब कुछ पढ़ता था, मैंने सारी किताब कवर टू कवर पढ़ता था, मैं खुद से सेल्फ टॉट था. मैं आई यूज्ड टू आई सब्सक्राइब टू एवरी टेस्ट दैट देयर वाज इन द कंट्री. मैं बस पकड़ के लुधियाना से चंडीगढ़ जाता था टेस्ट देने. तब लुधियाना में सेंटर नहीं होता था फिर जी वगैरह का. तो सुबह जाता था बस पकड़ के, खड़े होके वापस आता था खड़े होके. यू यूज्ड टू रियली एंजॉय द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड द हार्ड वर्क दैट वेंट इनटू इट. एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो वेरी सपोर्टिव. उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि तू कर ले चल एक साल और. तो पेरेंट्स काफी बार बोलते हैं कि नहीं यार क्यों एक साल बर्बाद हो गया, अच्छा कॉलेज मिल गया कुछ. बट उनको दिख रहा था कि यार मेरे मन में है करने का, और मेरे मन में मेरे को बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ और मैं पूरा कमिटेड हूँ करने के लिए. तो उसके बाद एक साल इस तरह से मेहनत करी एंड देन अच्छा रैंक आ गया. आई गॉट अ 23 रैंक इन IIT. यू वर ऑल इंडिया 23rd इन IIT. वाओ, मतलब वो फिर घिसाई हुई होगी अच्छे से. मतलब दैट इज दैट रिक्वायर्स जितना भी ब्रेन हो, मतलब इट्स रिक्वायर लाइक व्हाट वाज इट 10 आवर्स अ डे 12 आवर्स अ डे इट वुड हैव बीन 12 टू 15 आवर्स अ डे for a year. Yeah. Wow. For a year. So how does one do it? And I think you still put in a lot of hard work. I mean, it's yes. hard to get hold of you because you're always working. It's not like ayashi chalu hai. Theek hai. So that discipline, that consistency, what does it take for a human being to become like, wohi human being cyber cafe mein sara din video game khelke apna time waste kar sakta hai. Wohi human being because I talk about this, ki same insan transform kar sakta apne aap ko. And this, but that consistent self-discipline of 12, 14 hours a day on any goal, if yours was IIT at that time, kisi ka business ho sakta hai, kisi ka fitness ho sakta hai, kuch bhi ho sakta hai. How does one change their mindset to do it? I mean, what is it that leads to that? I think apne aap mein belief chahiye hota hai, ek junoon chahiye hota hai ki achieve karna hai, aur wo andar se hi aa sakta hai, wo bahar se koi de nahi sakta. कभी कोई माँ बाप कोई दोस्त वो जुनून दे नहीं सकते आपको कि हमें कोई लाइफ में अचीव करना है, चाहे वो लाइक यू सेड फिटनेस हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में कोई गोल हो या धंधे के मामले में कोई गोल हो. वो जुनून अंदर से आता है एंड वो सब में होता है. बट काफी काफी ना हम लोग डरते हैं वो जुनून को फेस करने के लिए, राइट, कि मुझे ये करना है. बहुत लोगों को काफी बार डर लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा. बट वंस यू फेस योर एस्पिरेशन एंड यू फेस योर ड्रीम्स, राइट, एंड देन वो अंदर से जोश भी आता है. जुनून होता है तो जोश भी आता है, करेंगे. तो उसी तरह फिर यू नो मेरे में भी वो एंड वो दैट वन ईयर ऑफ हार्ड वर्क रियली टॉट मी अ लॉट कि मेहनत कैसे होती है. एंड इवन टुडे आई फील बेनिफिट ऑफ दैट वन दैट दोस 3 इयर्स ऑफ रिजेक्शन फर्स्ट एंड देन सक्सेस हैव बिल्ट इन मी अ वैल्यू सिस्टम. तो कोई दोस्त वोस्त नहीं थे, लड़कियां छड़कियां कुड़ियां छुड़ियां लुधियाना की? नहीं, उस गेड़ियां गेड़ियां उस साल कुछ नहीं था. नो लड़की, नो गेड़ी, नो मस्ती. पढ़ाई को ही मैंने मस्ती बना लिया था तब. पर उसके बाद वो सब मस्तियां उसके बाद हुई, वो भी मैं बताऊंगा.